हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज है। जैसे कि अगर अभी तक आपने UPDLED का स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा होगा तो आपको पता होगा, लेकिन अगर अभी तक फॉर्म नहीं फिल किया है तो आपको पता होना चाहिए। बेहद ही जरूरी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये मामला आधार कार्ड से रिलेटेड है। क्योंकि जो केंद्र सरकार है वो कह रही है कि हमें आधार कार्ड चाहिए तभी हम आपका पेमेंट का भुगतान करेंगे, ठीक है। लेकिन जो NIC है, आपको पता होना चाहिए कि जितने भी UP स्कॉलरशिप का फॉर्म होता है वो NIC करती है, लेकिन इसका कहना है कि हम इसमें आधार कार्ड डेटा कुछ भी शामिल नहीं करेंगे। और जब फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं आ रहा है। जैसे कि पूरी बात मैं बताने वाली हूँ, क्या है पूरा न्यूज़, तो आपको पता होना चाहिए। अगर आप UPDLED का फॉर्म फिल कर रहे हो या फिर UP स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई भी डिप्लोमा कोर्स या 10th 9th कुछ भी कर रहे हो तो आप फॉर्म जरूर फिल करोगे, तो आपको ये पता होना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि हम UPDLED या और नई जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करते हैं। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर, ताकि आपको पल पल भर की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए जान लेते हैं क्या है पूरी खबर, जो आपको पता होना बेहद ही जरूरी है अगर आप UPDLED स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल कर रहे हो तो चलिए जान लेते हैं गाइज, लेट्स सी। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि अमर उजाला में पब्लिश हुआ था, ठीक है, और बिल्कुल सही है। जैसे आपको अगर पेपर पढ़ते हो तो आपको पता होना चाहिए कि अमर उजाला पेपर बिल्कुल सत्य पेपर पब्लिश करता है। तो आप यहाँ देख सकते हो क्या लिखा है, कि लिखा है कि छात्रवृत्ति व शुल्क भरवाई में फंसा है पेज आधार कार्ड से रिलेटेड। अब आप यहाँ देख सकते हो NIC ने आधार स्टोर करने से किया है इनकार, और सरकार जो है, हमारा केंद्र सरकार है, वो बिना आधार के भुगतान करने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि जो यहाँ के हेड है उन्होंने क्या कहा है कि आधार नंबर के बिना, आप यहाँ देख सकते हो कि क्या लिखा है, आधार नंबर के बिना भुगतान नहीं किया जा सकता, इसके लिए NIC की बात की जा सकती है, ठीक है, और जल्द ही समाधान निकाला जा सकता है। तो अभी तक आपने फॉर्म नहीं फिल किया है तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं आ रहा है, लेकिन केंद्र सरकार कह रही है अगर आधार कार्ड उसमें, मतलब उसका नंबर उम्र नहीं फिल किया जाएगा तो हम भुगतान नहीं करेंगे। ये यहाँ के हेड है रोज कुमार सिंह, प्रमुख सचिव समाज कल्याण से ये हैं। अब हम देख लेते हैं पूरी न्यूज क्या है। आप यहाँ देख सकते हो कि क्या लिखा है कि चालू वित्त वर्ष में विद्यार्थियों को समय से भुगतान मुश्किल, 50 लाख विद्यार्थी नियम कायदों से उलझने से होंगे परेशान, ठीक है, होंगे प्रभावित या फिर परेशान। तो अगर अभी तक आपको ये न्यूज नहीं पता है तो जो स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल कर रहे हैं उनको बताना चाहिए आपको कि ऐसा है, आधार कार्ड के बिना कोई भी आपका पेमेंट भुगतान नहीं होगा, ठीक है। तो अगर फॉर्म आप अप्लाई कर रहे हो तो आप देख लो, क्योंकि इसके बारे में बात की जाएगी और इसका समाधान निकाला जाएगा। पूरी न्यूज एक बार हम देख लेते हैं क्या कह रहे हैं, कि प्रदेश में चल रही छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना आधार का पेज फंस गया है। NIC ने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा देश का, ठीक है, देते हुए कहा है कि आधार नंबर स्टोर करने से इनकार कर दिया। वहीं प्रदेश सरकार ने बिना आधार के भुगतान करने के लिए तैयार नहीं है। मामले का समाधान निकालने के लिए समाज कल्याण निदेशालय NIC को पत्र लिखा गया है, और इसके चलते 50 लाख विद्यार्थियों को भुगतान में देरी होना तय माना जा रहा है। इस योजना में ऑनलाइन आवेदन के लिए जाने वाली व्यवस्था, छात्रों को भुगतान भी PFMS सॉफ्टवेयर के माध्यम से सीधे उनके खातों में किया जाता है। किसी भी तरह की डुप्लीकेट को रोकने के लिए छात्रों को अनिवार्य रूप से अपना आधार कार्ड नंबर अपलोड करना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात है कि अगर अभी तक आपने आधार कार्ड को अपने नंबर से रिलेट नहीं किया, लिंक नहीं करवाया, तो प्लीज गाइज आप करवा लो, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पहले का आधार कार्ड क्या था, बिना नंबर के ही बन जा रहा था, लेकिन अगर आप आधार कार्ड से अपना नंबर लिंक नहीं करवाए हो तो करवा लो, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि डुप्लीकेट्स को रोकने के लिए छात्रों को अनिवार्य रूप से अपना आधार नंबर अपलोड करना पड़ता है, और आधार नंबर न देने वाले छात्रों को अभी तक भुगतान करने का नियम रहा है। लेकिन कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने आधार की सुरक्षा को लेकर कड़ा निर्देश, ठीक है, कड़ा दिशा निर्देश दिए, ताकि किसी भी नागरिक की निजता का अधिकार का उल्लंघन न हो।
ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि NIC मना कर रहा है कि इसमें कोई भी आपका आधार कार्ड से रिलेटेड कोई भी कुछ भी फॉर्म या नंबर फिल नहीं किया जाएगा। लेकिन जो केंद्र सरकार है ना, जो सरकार है, उनका कहना यह है कि आधार कार्ड के बिना हम कोई भी पेमेंट का भुगतान नहीं करेंगे। लेकिन अब NIC को फॉर्म या पत्र लिखकर भेजा गया है कि इसके बारे में कुछ सोचा जाए, क्योंकि 50 लाख विद्यार्थी नियम कायदों में उलझने से होंगे प्रभावित। तो अगर आप यूपी डीलिट का स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल कर रहे हो तो ये आपको पता होनी चाहिए और जानकारी होना बेहद ही जरूरी है, ताकि और लोगों को भी आप सजेस्ट करो कि ऐसा नियम है, ऐसा सब कुछ है। ठीक है, तो बस मुझे आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन देना था। ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ ही बेल आइकन में क्लिक कर, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। और जिस किसी ने सब्सक्राइब कर लिया उनको थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर एंड सी यू अगेन।